तो कामिनी जी, हम स्टार्स की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स गुस्सा आता है उन्हें, एंड कई हैं जो इतने हैं ठंडे कूल, एंड लेट्स डिस्कस द पॉजिटिव स्टार्स हु आर वेरी पेशेंट एंड वेरी काम इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रेशर्स. और अगर हम काम की बात करते हैं तो रणबीर कपूर का सबसे ऊपर है नाम जी. अब जिसको भी जब भी कोई भी पब्लिसिटी चाहिए हो तो बिना मतलब का रणबीर को घसीट लेते हैं, वेदर इट्स हिज गुड फ्रेंड इमरान खान, वेदर इट्स द मीडिया, जो उनसे काफ़ी रूड क्वेश्चंस कई बार करते हैं, काफ़ी पर्सनल करते हैं. लेकिन मैंने देखा है कि रणबीर अपना कंपोजर कभी भी नहीं खोते हैं. अगर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड्स को भी देखते हैं, दीपिका, सोनम, इट्स जस्ट अ फ्री फॉर ऑल, जिसको जहाँ कोई चाहिए टू हैव अ बॉल, ओके, किक रणबीर अराउंड. एंड ही सो पेशेंट, यहाँ तक कि उनके मॉम और उनके डैड ऋषि कपूर ने एक आध बार रिएक्ट कर दिया है. बट हाउ डज रणबीर कपूर मैनेज टू स्टे सो डिग्निफाइड एंड सो क्वाइट एंड पेशेंट अबाउट दिस ऑल, यू नो, कोई भी उन्हें बख्शता नहीं है. रणबीर के राइवल्स को उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उनका गुस्सा किसी भी वक्त उबल पड़ सकता है. जब भी किसी को पब्लिसिटी चाहिए होती है तो वो रणबीर कपूर को अटैक कर लेते हैं, दीपिका से लेकर सोनम कपूर एंड इवन हिज बेस्ट फ्रेंड इमरान. किसी ने भी उन्हें नहीं बख्शा. अब तो आदित्य चोपड़ा का कैंप भी उनकी इंसल्ट कर रहा है बाय कंपेयरिंग न्यू कमर रणबीर सिंह टू हिम. यहाँ तक कि उनके डैड ऋषि और मॉम नीतू का खून उबलता है. बट रणबीर जस्ट इज सुपर कूल, कहीं शाहिद उनसे जलते हैं तो कहीं सलमान. इवन द मीडिया इज ऑल्सो वेरी हार्श बिकॉज ही डज नॉट स्नब देम ईदर. शायद है रणबीर के हाथ में कोई ऐसी लकीर जो बना देती है उनकी नेचर को इतना माइल्ड एंड स्वीट. रणबीर की कुंडली के हिसाब से जो उसकी असेंडेंट में, जो लग्न में उसके जो मंगल बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ है, वो उसको इंटरनली स्ट्रांग बनाता है. अब लोग उसको दूसरी तरह से देखते हैं कि जैसे जो कोई स्ट्रांग आदमी होगा, जो पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, वो ही अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाती. करेक्ट. जो उछला होगा और जो फटाफट बोलेगा करेगा, वो स्ट्रांग पर्सनैलिटी नहीं होता है. लेकिन कहीं पे उनकी कुंडली में कुछ ऐसा भी है कि वो कॉन्ट्रोवर्सीज को अट्रैक्ट करते हैं कि जो भी आता है वो उनके एक्सपेंस पर जोक्स क्रैक करके चला जाता है. रणबीर के जो 11th हाउस में सन और सैटर्न साथ में बैठे हैं, उसकी वजह से लोगों को उनके बारे में गलतफहमी हो जाती है, जो कि वो वैसा नहीं है. तो इसलिए वो समझते हैं दैट प्रॉबली रणबीर इज एन इजी टारगेट. जी, वो ऐसा सोच रहे हैं. लेकिन ये व्यक्ति और ये जो पर्सनैलिटी है वो स्ट्रांग है, और अगर ये किसी को पड़ जाए तो बहुत बुरा पड़ेगा. इसलिए जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगी कि जरा ठहर के बाबा. He might have the last laugh. जी.